सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं तारा देसी पत्रकार करमूं। इस टाइम लाइव अपने दर्शकों के जुड़ गया हूँ। सारे दर्शकों का एक रिक्वेस्ट है भाई, ओला हाथ का नहीं शेयर का बटन है, यानी कि बाएं हाथ का नहीं, उस पर क्लिक करो और सोलह हाथ का नहीं ऊपर शेयर टू ग्रुप है, टिक टिक करके लगातार ग्रुपों में शेयर करो। क्योंकि आज जो समस्या मैं इसकी देसी पड़ताल करना रहा हूँ या उसके कई गाँव में हो इसे डाल की समस्या, तो इसका माध्यम था आप उस समस्या की परत तक जाने की कोशिश करेंगे जिस तरह समस्या का समाधान उसका है। मैं कैथल का नागरिक अस्पताल का पोस्टमार्टम रूम का बाहर हूँ, जिला नागरिक अस्पताल कैथल, गांव का मामला है मालखेड़ी का। तो एक कहावत है बोला मार पाछे पुकार को नहीं हार दी, या फिर नूबी कह दे रहा बोला समझदार आदमी जो तूफान आने से पहले अपने तंबू बांध ले। समझदार आदमी जाए मतलब समझदारी नहीं दिखाई जावे तो फिर वो तंबू बंबू उड़े भाग रहे। तो इसे ढाल का एक हादसा मालखेड़ी का जो तालाब है मौत का तालाब, छः महीने के अंदर दूसरा हादसा है। और कई बार आप नुकार जब हादसा हो ले तो नुकार बोले या जब यू तालाब यू ठीक होता जब इसकी मंडेर लिगड़ रही होती तो नुकार बोले यू हादसा रुक सका था। तो इस टाइम इसकी देसी पड़ताल में कण पहुँचा हूँ। इस पड़ताल में दूध का दूध और पानी का पानी करांगे भाई, क्योंकर यू हादसा होया है और कौन इसका कसूरवार है। पहले तो ये सारे के सारे मारे गए मौजूद है मालखेड़ी गाँव के, मारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम राम, मास्क लगा लो। कौन आके बताओ जी मामला पूरा के आज ये उसका बाप है लड़के। अच्छा लड़के क्या नाम है? जय फल है जी। अच्छा आपका लड़का डूबे है? हाँ जी। क्या नाम? साहब जी, साहब सिंह था। साहब सिंह हाँ जी। मैं दारू दू रुपये के थे ना जी, दारू रुपया करता हूँ ला लेकर पी तो कुछ बाल का मारे लिटे था उठा है कड़िया नींद में गिड़ा खा गया ले घास में उड़ गया। क्या करा करता? दिहाड़ी दिहड़ी करे करता जी। तालाब दिखे जी शामी है जमीन पे। तालाब में क्या दिक्कत आई? आज राणा जी। हाँ गड़ा टैंक सी जी। अच्छा क्या डंगा? किसा डंगा? यो जो घास सा बेकार सा, उसने पता के दारो तो कुत्ते मरे पड़े हैं। अच्छा अरे कल गेंदा भाई कल के समय गेंदा भी कल डंग भी उठ रही है और जाके देखो उठ यानी कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत है। अच्छा कोई जान नहीं देरी चली। आपका नाम बताइए दोबारा। जय फल है जी। अच्छा जय फल साहब आपका लड़का किस टाइम का हादसा है? यो 11 बजे 12 बजे का बीच में जी। कल 11 और 12 के बीच में ही हादसा हुआ है। साहब नाम का लड़का और उम्र उसकी 25 साल है जी। ठीक है नेटवर्क ओके चलो। उम्र 25 साल है। हाँ जी आज आप भी कुछ कहना चाहो बताओ। क्या दिक्कत हो? यू हादसा क्यों हुआ है? हादसा तो सरपंच की कमी में है जी। सरपंच की क्या कमी है? पहले दो ट्रैक्टर ला के मीमा गए, दो चार ट्राली भर है उन्हें लिख दिए है। पिछले साल भी एक पंडित मर गया था, मैंने उस बात पर बात भी छेड़ी पंचायत में, ताकत पे बैठे थे। अच्छा घर पे बैठे हो मेरे तक खींचने लग गए। मैं तो ट्रैक्टर दो इनके लावा है मीमरा के गांव में, ट्रैक्टर नहीं सारे लगा कर लेबर ने लाके कटवा दे करते थी। एक मिनट सुनो, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यू मामला हादसा तो है एक चीज और देखो गांव में एक या के कमी है मोटी या जो रड़क वाली पॉलिटिक्स हो। मैं कई बार कहा करूँ जो सरपंच हो है सरपंच जी बन जाए तो पूरा गांव का मुखिया हो। इलेक्शन का टाइम तक वोट के टाइम तक सारी चल लगी आपाधापी होगी, राजनीतिक रोटी भी सेकी जाऊंगी, लेकिन जब इलेक्शन टप जाए उसके बाद हर सरपंच की जिम्मेवारी बना है वो पूरा गांव का मुखिया है। फिर उसमें रड़क वाली पॉलिटिक्स भेदभाव छोड़ देना चाहिए। इब जुकरियाँ कहने लग रहे हैं अब इस तरह की बात लिखड़ गए। आप बताओ जी आज हाँ जी। सबसे पहले तो मैं करबू भाई को राम राम करता हूँ। ले लीजिए राम राम। मेरा नाम तरसेम भारद्वाज है जी भाई। मेरे गाँव में 5 साल से तालाब में कोई सफाई नहीं हो रही। 5 साल से जब का ये सरपंच बना है? पहली बार बना है कि दूसरी बार? ये पहली बार बना है। अच्छा जी क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का नाम है विक्की, उसकी घर वाले का नाम पूनम बेदी। अच्छा मतलब सरपंच पूनम बेदी। सरपंच पूनम बेदी है। अच्छा, प्रतिनिधि विक्रम है। अच्छा सरपंच प्रतिनिधि विक्रम। इसके खिलाफ बहुत कार्रवाई कर चुका हूँ। देसी आने दो देसी। बहुत कार्रवाई कर ली, कार्रवाई करने भी लग रहे हैं लेकिन कोई प्रशासन सुन नहीं रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। एक हफ्ता पहले मैंने मीडिया वाले बुलाए थे, उन्होंने भी एक वीडियो बनाई और बस नेट पे डाल दी। अच्छा। कोई सलूशन नहीं होया उसका और कुछ नहीं हो रहा। रात फिर गांव में मौत हो चुकी है, पहले एक मौत का कारण भी बन चुका है। कम से कम उसमें जानवर जीव जंतु जाके देखो जी। मतलब वो काम हो गया बोले बोला कौन बड़ी क्योंकि पानी तक नुकान और पानी भी सड़ा अंदला है हैं। तो फिर तो हम बताओ एक बात देखो, मीडिया तो चलो एक ब्रह्मस्त्र है, हमने अपनी बात मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन गांव राम के तम आदमी हो तम भी तो गांव में मौजूद आदमी लेकर बोल लिया करो। राम राम भाई साहब। राम राम बलिंद्र है करमो भाई। बलिंद्र भाई
करमू एक हफ्ता पहला इंडिया न्यूज के माध्यम से मैंने शिकायत भी करी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना सरपंच ने करी ना प्रशासन ने करी। छह महीने पहला भी बंदा गुजर गया था पंडित जी, कल फिर रात मौत होगी। ये हरिजन गरीब आदमी था, दिहाड़ी करके खाई करता। अच्छा, कोई दोबारा कार्रवाई नहीं हो रही, उसमें निराडंगा निरी सड़ैंद इतनी बदबू एलो एलो वाली जो बस्ती है नी, रहना दुर्बर हो रहा उनका। गांव में एक के जोड़ है, एक के जोड़ा छोटा हा जोड़ा दो ढाई किलो पानी भी ओड़े पीवे डंगर डंगर डंगरा तो बढ़ने राय को नहीं। अच्छा, पूरा बंद है बिल्कुल कवर, आप जाके देखो एक बार। नहीं फिर डंगरा का पानी पात का चुकरा हुआ बस नहीं, तस्याई मरण लग रहे है जो आवारा पशु है तो तस्याई मरण लग रहे। कह ले गाय मरगी गाय का तो हाथ साढ़े कथन में भी होगा। हाँ, मारा गांव में भी एक तस्याई गाय मरगी, जोड़ में बढ़ गई खींच का गाड़ी। कोई पंचायत नहीं सुन रही, कोई प्रशासन नहीं सुन रहा, पूरा गांव का बुरा हाल है। पांच साल तक आप एक बार देखो मौका बचा के। गांव का बुरा हाल की हम बात में ठांग मुद्दा, फिलहाल ये जोड़ का मुद्दा है जो अंकल जी कह रहे थे कर दे, बुला जारो कुत्ते मरे पड़े हैं। हाँ, जार कुत्ते तो मरेंगे उसमें मान ले तो वो सड़े भी गए, और सड़ेंगे तो वह सड़े हाथ उठे भी गई, फिर वह पूरा काम फैलेगी। हाँ जी, फिर एक बात देखो नू कह रहे बोले बिना रोए तो माँ भी दूध कौन पिया, बिना पिल के तो एम्पायर भी आउट कौन दे, तो हम कंधे कौन सरपंच थे। कह लिया सरपंच, कई बार कह लिया गांव के ना जाएगा, सरपंच ने मैन भी लिया इंडिया न्यूज का, बोले मेरे लो आए है गांव के, नरेगा की कोई स्कीम आवेगी, नरेगा का स्कीम का तहत कटवाएंगे। वो काम हो गया, भला बाबा ने ताड़ी बाजे इतना और आज से हो जाएंगे, दो तो ही हो गए। हां, और आज से की बात देखा था नरेगा। राम राम जी, नाम जी आपका? लाभ सिंह जी। तो तेरे लंबे तकड़े मानस आप कहो ना, ये देखो ये नुकसान होने लग रहा है। ये तो वहां तो मिट्टी मिर्चा बंटती है जी, जो सरपंच के बंदे है ना उनको मिट्टी मिर्चा दी जाती है और वो कुछ नहीं करते। चलो मैं सरपंच को कॉल करूंगा, सरपंच प्रतिनिधि विक्रम, विक्रम मैं उन तो फोन करूंगा। दिए भाई फोन खोल के दे देने, एक लड़का बच्चा डूबता डूबता एक पंडित का छोरा लगा दिया। अच्छा, इसे भी हो गया, मतलब जो मतलब बचाए गए हम बचाए गए, फिर यू इसने भी कोशिश कर लें देख। रात का मामला था, रात का उसमें दिखता ही नहीं बंदा, चला जाए पशु चली जाए। बताओ जी नंबर। 52533553000 भाई, एक पदक दो पदक ये गाँव वाले का नू कहना है और हाथ से नहीं हो है कोई नहीं। सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह बीजी चल रहे हैं, दोबारा फिर ट्राई करेंगे आप। तो उसका समाधान के जी आप लोगों ने विचार भी कराया होगा, समाधान के उसके उसकी जोड़ की सफाई करावे, सारा डंगा कटवावे, शुक्र दे चार दुवारी बनाएगा पक्का करके बढ़िया रहे। अच्छा, जो बच्चे खेले अंदर ना जावे या ग्रिल कौन लिखी उसकी गिरी हुई, 5 साल हो गई। नहीं नहीं, उसका पहले क्या था, उसका पहला साफ था जोड़ बिल्कुल। अच्छा, ग्रांट भी आते हैं जी, सरकार ग्रांट भी देती है, सरकार ग्रांट दे रही है, मैं सरकार का इसमें दोष नहीं करते हम, सरकार बहुत कुछ दे रही है। अच्छा, सरकार ने 10 लाख रुपए भी दे थे जो कुछ में, तो सब कुछ आ रहा जी, लेकिन ओन तो कौन दिंदे काम। फिलहाल आप सुन सको, फिलहाल आप सुन सको, सरपंच साहब जो सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह बीजी है, शुक्र तो घुमा दे एक बार हॉस्पिटल का दिखा दे दृश्य, नागरिक अस्पताल कैथल में स्टेम होते दूर दूर हो जाए भाई। हाँ, सरपंच साहब लाइन पर जुड़ गए हैं, सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह जी। हाँ जी विक्रम सिंह जी, नमस्कार जी। हाँ एक मिनट उड़ान कर दे भाई, हमारे दर्शकों ने राम राम कर दे जी। राम राम जी। लाइव आप जुड़ रहे हो हमारे दर्शकों के लिए, मैं देसी पड़ताल कर पहुंच रहा हूँ कैथल का नागरिक अस्पताल में, पोस्टमार्टम रूम के आगे खड़ा हूँ मैं, गाँव के मौजूद आदमी खड़े हैं। हाँ जी, लग रहे हैं। नहीं आप इतना आओगे इतना तो हमारा लाइव हट लगा, ये बात मैं लाइव में स्पष्टीकरण दे दो भाई, जो यू मामला छिड़ रहा है दूसरा हादसा हो गया, बहुत से बालक बचाए भी हैं नुको है भैया, मतलब हादसा होता होता टल गया बचा लिए, कुत्ते मरे पड़े हैं, सड़ांत उठी पड़ी है, दीवार लिकड़ नहीं रही, जाड़े बोझड़े जमे पड़े हैं, सफाई हो नहीं रही, मतलब इसका यू मामला मतलब आपने आपकी ऊपर चल दी को नहीं, अकपी से कौन आ रहे, अकपी से लाए कौन रखे, के मामला है। बात इस तरह है जी सर, जो ये मामला है ना, जोड़ की सफाई माने 2-3 बार करा चुके हैं हम, नरेगा का शुरू, पहले माने पंचायत से कराई थी, नरेगा से करवाई है 9वें महीने 17 तारीख को, तो इसका मस्तोल आया था जी बन के 10 दिन का, फिर 21 तारीख को चार सीता लगी थी, तो उसमें काम चले थी हमारा, 17 तारीख का मस्तोल आ गया 10 दिन का, हमने सफाई कराई है जी इसकी। नहीं 5 साल में 5 सरपंच साहब सुनो, अभी तो अगले चुनाव का टाइम आ लिया, अभी तो 5 साल माप या इसकी बाउंड्री कौन लिख रही, तालाब साफ कौन हो जाए, गांव के जो जी जिन जिनोर है वो भूखे थे शायद, मास कर पानी पी रहे हैं, इसकी निकासी नहीं है जोड़ की, फिर निकास एक बात देखो 10 बार पानी निकाल दिया नहर में, और नहर में अभी इतनी संख्या दे ऐसी, सुनो सुनो विक्रम जी, आपदा से अवसर ढूंढो, प्रधानमंत्री मोदी ने कही आपदा से अवसर ढूंढो, आपने आपदा ही
ई बाप नु को निकासी को नहीं, डिस्पोजल हो सके है हैं। और क्या जी सुमानते हैं जब पहले नहर में पानी निकाल लेकर दो तीन बड़ी ऐसी साहब से एक्शन साहब से मिलके पानी निकाले हैं और इसके बाद जी हमने इसकी निशान भी लेनी है जोड़ के, इसकी जगह दबरी है जी, फिर बाउंड्री वाल निकलेगी जिसकी और फिर सुनो 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 जाएगा। सुनो सरपंच साहब मेरा तजुर्बा तो उनको है जगह नहीं बड़ी समस्या होनी, उसने एकदम ना मेटो ना थोड़ी थोड़ी करके मेट दो, थोड़ी करके भी नहीं मेट रहे आप तो हाथ ही ना रहे इसके, आपने तो कुछ भी नहीं शुरुआत कर की इसकी। खाली पेपर दे रहे हो आप, नंबर तो जीरो आओगे बताओ कि मैं तो लिख कर आंदे उसमें, खाली पेपर दे दिया आपने तो यूं। नहीं हमने अपनी नरेगा के नाम से प्रस्ताव दे रखा है, इनके नाम क्या नाम है जो मजदूर है और इसको स्टोन निकलेगा तभी लगा देंगे लेबर बॉन्ड। और मेरे गांव में कोरोना मरीज पाया गया था, इसका कारण ये ऐसा ऐसा गांव के आदमी मेरे कल खड़े हैं ये नुक है आग बोले अपने अपने जो इसके चाहते हैं उन अपने दहाड़ी दप्पा मिल जाए। दूसरी बात एक बात देखो, कोई काम करना ना करना उल्टा करना, उल्टा करना तो अच्छा तो ना करो, ये ऐसा जी सुनो सुनो सरपंच साहब एक कहावत है, एक कहावत है धूमा उड़ते लिगड़िया करा चढ़ाया को, आपने कुछ तो कुछ आपकी कार्यशैली पे जो ऑब्जेक्शन उठे हैं कि मैं तो गड़बड़ है भाई साहब, जो लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं यही लोग जमीन दाब रहे हैं जोड़ की जमीन। सुनो एक मिनट सुनो सरपंच साहब, मैं आपकी बात समझू हूँ, ये मामले इसे आवा है भाई जमीन दाब बना, सुनो जमीन दाब बना मामले आवा है, मैं इस बात डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन आप अपना काम करो, आपका काम सफाई करवाना, सफाई करवाना में कौन से की जमीन वो है, सफाई करवा दो, दीवार कटवा दो, ऐसा जी सुनो सुनो सरपंच नुकारा बला जहाँ जहाँ वहा रहा है जिन्हें वो मंजिल की दोनों ने कारवां से किया, आपके अंदर नीति और नियत होनी चाहिए, नीत होगी तो सब कुछ हो जाएगा, जब नीति नहीं होगी तो फिर तो ये ऐसा जी सुनो एक मिनट सुनो 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 एक मिनट रुको जी, ऐसा है सुनो ना तो खाचर पौन की जरूरत किसी, ना सरीकी बनने की जरूरत, ना हुक्म टिकड़े तोड़ने की जरूरत, आप अपना काम करो, आप काम करोगे नहीं गारंटी है, गारंटी है 10 आदमी आपका विरोध करेंगे नहीं 90 सुनो 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 एक मिनट सुनो सरपंच साहब, 10 आदमी आपका विरोध करेंगे तो 90 आपका हकमाजन खड़े होगा, लेकिन रोड़ा जीप चिड़ा है जीप 90 विरोध करे हैं 10 आपके खिल लू, यह समस्या होनी इसमें ध्यान दो इस पर, आपके खिलाफ यदि 90 हैं और 10 पक्ष में तो गलत हो आप, आपके पक्ष में यदि 90 हैं 10 गलत है तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, के अनुसार हम चल रहे हैं, अब नरेगा के थ्रू इसका रंगा निकलवाएंगे, पहले हमने ये इसकी डेडलाइन के दे हो आप खत हो जाएगा, के डेडलाइन इसकी कह रहे हैं ना भाई पानी इसका पानी की निकासी नहीं निकलो पानी नहीं निकलो सरपंच साहब, इसकी डेडलाइन सुनो आप सुनो 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 ये गांव के लोग बोलने लग रहे सुनो ऐसा जी सुनो मेरी बात इस तरह सुनो सरपंच साहब सुनो आप इस तरह पहले की मैं रजाई का उछाड़ता रू और नू बेरा पटेलो कड़कड़ करते बैठ रहे है उस तरह पहले अपना आप इसको काम को करवा दो करवा दो आप करवा दो मैं करवाए पाछे मैं हूँ टंका एक मिनट करवाए पाछे मैं हूँ टंका की चोट पर छाती ठोक के मैं कहूँगा भाई सरपंच ने काम करवाया काम करवाओ आप छाती ठोक के मैं बताऊंगा आपके बारे में भाई सरपंच ने काम करा दिया और मैं एक बार गाँव में आऊंगा देख लूंगा मैं भी मन भी मेरा पड़ जाएगा भाई ये ठीक कह रहे हैं आप ठीक करो चलो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ ली कितनी देर में आओ है उनका चलो इस चीज ने तो आप मानो हो तालाब में डूबने तो मरे तो पुष्टि इसने मानो आप इस बात को मान रहे हो यू साहब नाम का लड़का रिजना का जो 24-25 साल का यू तालाब में डूबने तो मरे चीज मानो हो आप बहुत ज्यादा पिए करते अच्छा। मैं ये कह नहीं सकता कि तालाब से मरा है या दारू पी के मरा है मुझे और इससे पहले जो हादसा हुआ था वो इससे पहले हुआ था कुत्ते भी दारू पी हुए हैं कुत्ते
फिर कुत्ते डूबने लग रहे हैं। गाय गाय डूबी दारू पी के डूबे। सरपंच साहब सुनो, आप इस बात को थोड़ा सीरियसली लो, काम करवाओ, सुधार कराओ। हम बिल्कुल तैयार हैं, काम तैयार हो तो फिर क्या दिक्कत है? ऐसा उस बात का भी कोई फायदा नहीं बोला। पंचायत का फैसला सिरमाता है, पतन लाड़ा उड़े चल लगा, फायदा को नहीं उस बात का। काम कराओ जी। सुनो सर, एक मिनट, हमारी निकासी नहीं है पानी की। हमने थोड़ा दूर दूर रोले भाई, दूर दूर घुमा देना उनको, रोल कर दे। हाँ जी, हमारी पानी की निकासी नहीं है। आपकी निकासी जड़ा टकर रही हो, उनका नंबर दो। सुनो, उनका नंबर दो, उन द्वारा फोन करांगे। निकासी जड़ता टक रही है, घुमा देना उनको, रोल कर दे। जी ऐसे एक्शन साहब, ये जो अपने पब्लिक के नाम महकमे के, हम नहर में पानी नहीं छोड़ सकते, हमारी तरफ लाइटर निकल गए थे। अच्छा जी, मैंने बहुत से काम देखे से जरा आठ दिक्कत होनी और जाए सरपंच के महत्वाकांक्षा कुछ करने की नहीं तो गारंटी है सारे लाभ पा जाएंगे। हाँ मैंने बता दियो, जिसके खोद मारनी हो मैं कह दूंगा, जो सा अधिकारी तो कहना हो मैं कह दूंगा। अच्छा काम खातर तो खोद मारेंगे हम, अच्छा काम के लिए हमने जरा भी उखड़ में सिर देना पड़ेगा देवांगे हम। और हम इसको जलकुंभी को निकाल भी रहे हैं, अब बहुत ज्यादा हो गई है, एक दो दिन में इसका मस्टोल आ जाएगा। पंचायत पे फंड होता है, कई तरह का, कई डाल का फंड होगा पंचायत पे, जरूरी को नहीं भाई ऊपर तक में आओगे जिपे करोगे पंचायत। सरकार के अनुसार सरकार का ऑर्डर है कि नरेगा के थ्रू जोड़ की सफाई करवाई जाए। पंचायती फंड भी है, उसके माध्यम से आप नहीं करो, एक काम करो, सुनो डिस्पोजल ला लो गांव। एक बात देखो, गांव के दो टैंकर बना लो, उसके ट्रैक्टर ट्रैली वाले टैंकर तैयार कर लो के, हैं? और सुनो टैंकर तैयार होंगे, डिस्पोजल करवा ले, वहीं टैंकर गांव में और काम भी आ जाएंगे, और काम भी वहीं आऊंगे। दो टैंकर ले लो पंचायत फंड में और डिस्पोजल करवाने लग जाओ उन्हें, और वो खेतों में बगा दे, और फिर पानी और क्या होगा अभी। खेत वाले भाई साहब हमने छोड़े हैं पहले, आपने खेतों में घेर लो आप। इतना गंदा पानी, इतना बहर कर पानी है जी, सारा गांव। चलो ऐसा है जी, सुनो सुनो, कोई बालक चाहे कोई बालक पेपर देने में फैल हो जाए नी, और नू नहीं कह सकता सवाल खराब थे। सुनो मेरी बात, सुनो सरपंच साहब, पेपर देन दे आन, कोई बालक नू को है भाई सवाल खराब थे और मैं पेपर पास कौन कर पाया, यू को जवाब नहीं आपका, आपने काम करवाना चाहिए। यू थोड़ा मानना भाई पेपर में सवाल खराब थे जहाँ तो मैं पास को नहीं होया। मुझे पेपर वाली बात नहीं है, मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है, जब पता चला सुबह मैं आने लग रहे हो जी, मन बड़ा महसूस हो इस बात। चलो आप आ जाओ, और गांव के आदमी भी सुनो, गांव वाले तो भी गांव आ जाओ जी, गांव राम सुनो, जय सरपंच काम कराओ तो ऊँ टांग खिंचाई नहीं, लेग पुलिंग नहीं चलेगी, यह चीज मैं भी कहूँ। हाँ लेग पुलिंग हो रहा गांव में, गांव की राजनीति टेढ़ी है, लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ कोई नहीं, ऐसा ही गांव वाले मेरे के लिए खड़े हैं, दबन वाली बात कम है नहीं तो मैं उस चीज के लिए पूरा एग्री हूं, तैयार हूं साथ में, कोई नहीं दब रहे बोले। सुनो आप आज से, सुनो 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 विक्रम भाई, विक्रम भाई सुनो, आज से है नी एडी पंजा का तेल ला लियो आप सरसम का, और जड़ा भी जाना हुआ आपने मना बता दियो, जिस अधिकारी से कहना मैं कहूंगा, कमाल राह की बात में आगे ढांगे आपके लिए काम। हाँ बस फिर ठीक है। हाँ जी, हाँ आप है ना, आप सिर्फ एक महत्व बस आपके अंदर नहीं, आपके अंदर नियत पैदा करो, महत्वाकांक्षा पैदा करो, अच्छे काम करेंगे। चलो ठीक है जी, कर्मू जी हमने ना 5-4.5 साल में 20 पर पानी काटा है कर्मू जी, वो भी एक्शन साहब से ऐसे साहब। चलो चलो लंबी वीडियो चले जाओगे मेरे तो बता दियो, थोड़ा भी मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा, ये भेज देंगे। कर्मू जी मैं जानता हूँ आपको, बहुत ईमानदार हो आप। चलो ठीक है, मैं तो एक निवेदन है, इससे पहले कि कोई और हादसा हुआ है उस तो पहले से मार लो, नहीं तो एक और खबर बनेगी। महसूस हो रही है बात कि मेरे टीम में ऐसा काम हो, देखो एक मारा बंदा ही गया, मेरी बरादरी का ही गया है। चलो संभाल लो, संभाल लो, नुकार तेरा है दुरुस्त आए आन लग रहा। सुनो सुनो कोई नहीं, सुनो ऐसा अपन राय नहीं, अभी अपन राय है कि मैं आ रहा है सरपंच, अरे सरपंच की काम जय हो जाएगा तो हम भी छाती ठोकर को करवा दिया, कोई दुर्भावना हाठ विद्या दुराग्रह स्वार्थ ऊपर उठ के करो काम, नू नहीं आना जी, आने लग रही तो भाई। चलो चलो सरपंच साहब काम करा दो बस, काम करा दो, काम करा दो, काम करा दो। लो चलो भाई सुनो सुनो, एक मिनट एक मिनट, फोन दियो आपका फोन है, फोन तो लेके करना था, बोलो कर देंगे, लाइव चल रहे, रुक जाओ तो जाओ। सुनो भाई सुनो,
या देसी पड़ताल मैंने करी है, पोस्टमार्टम रूम का आगे खड़े हो गए, नागरिक अस्पताल जिला नागरिक अस्पताल कैथल में थम बताइयो, यो जो मालखेड़ी का जो जोड़ है, यो मौत वाला जोड़ है, इसका कसूरवार कौन है? कौन कसूरवार है? ये मौत चाणचक हुए हैं अब उस घटिया व्यवस्था की वजह से हुए हैं, या और कोई बड़ा हादसा भी हो सका है, या फिर गांव की रड़क वाली पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सका है, तो हम बताइए कमेंट करके भाई मामला के है इस देसी पड़ताल में। मन्ना अपने हिसाब से जो मैंने बात कहनी थी वो मैंने कही था, उससे भी हिसाब ला लियो, गाँव वाले ने जो कही उससे भी, सरपंच ने जो कही उससे भी। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कोरोना योद्धा। एक आखिरी में संदेश है हर सरपंच खातर, जी बन जो तो सारा गांव के हो, फिर भूल जाओ रो इन चीज़ों ने भाई कौन सन मेरी वोट दी थी, कौन सन नहीं दी थी, क्यों जी उस चक्कर में नहीं पड़ना जी। चलो जी।